वेल, जैसे हमने पहले ही कहा कि शहजादे हुनर के इस एक ऐसा एक रियलिटी शो है, जैसे विद्याधर जी ने कहा वी आर गोइंग टू एवरी सिटी फॉर ऑडिशनिंग, और वहाँ से बहुत सारे बच्चे वहाँ आएंगे और हमारे जो गुरुज और मेंटर्स हैं उनमें से द बेस्ट टैलेंट को उठाएंगे एंड देन फाइनली हम लोग जाके उन्हें जज करेंगे। बार बार मैं यही बोल रही हूँ कि हम जज करने के, एटलीस्ट मैं जज करने के लिए नहीं जा रही हूँ, उनके साथ वो जर्नी ट्रैवल करने जा रही हूँ। हमारे टाइम पे हमें ये नहीं सिखाया गया था कि आपको रियलिटी शो में जाना है, वो सब कुछ नहीं था। हमें डांस सिर्फ इसलिए सिखाया जाता था क्योंकि डांस के प्रति हमारा इंटरेस्ट था। बट आज मैं देख रही हूँ कि जब बच्चे ट्रेन होते हैं तो पहले से ही उन्हें ये सिखाया जाता है कि देखो वो रियलिटी शो है, ये रियलिटी शो है, देखो वो बच्ची कैसे कर रही है, वो बच्चा कैसा गा रहा है। तो पहले से ही उनको वो एक कॉम्पिटिटिव मोल्ड में डाला जा रहा है, विच आई पर्सनली फील इज नॉट नेसेसरी। जहाँ पे आप बाकी सब टैलेंट्स में जाते हो वहीं से रिजेक्ट होके घर जाके वापस चले जाते हैं वो लोग। जितने भी आप टैलेंट्स देखें दे गो देयर, दे इंटरव्यू देम, दे आर सेलेक्टेड थ्रू देयर इंटरव्यूज, नॉट थ्रू देयर परफॉर्मेंसेस। हियर वी आर मेकिंग अलाउइंग देम टू नॉट ओनली इंटरव्यू देम, वी आर ट्रेनिंग देम, वी आर ऑल्सो अलाउइंग देम टू परफॉर्म। ओपन योर माइंड एंड हार्ट एंड सी ऑल द टैलेंट। Yes, appreciate the talent. Because I think talent begins from home. क्योंकि the talent starts from there. तो एक situation को understand करना as a dancer मेरे लिए बेहद आसान हो जाता है। But अब चूंकि एक realistic approach to acting आ गया है तो कई बार लोगों को लगता है कि हम थोड़े over acting भी कर जाते हैं, जिसकी वजह से नागिन में मुझे over acting की दुकान का title भी मिला था। But my point is, acting हो या over acting, लोगों को पसंद आता है, बस ये मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड है। Whether they call it hamming, they call it overacting, I don't care. लोग मुझे पसंद करते हैं, ये मेरे लिए सबसे बेस्ट अवार्ड लाइफ।